विजयना परिवार द्वारा प्रत्येक वर्ष नवंबर या दिसंबर माह में ब्लड डोनेशन कैंप लगाया जाता है। उसी क्रम में कल ब्लड डोनेशन कैंप विजयना परिवार द्वारा आयोजित किया गया था। ब्लड डोनेशन कैंप में 57 दानदाताओं ने अपना ब्लड डोनेट किया, जिसमें गर्व की बात है कि विद्यालय के 16 बच्चों ने अपना ब्लड डोनेट किया, जो संख्या पिछले साल से 10 डबल है। पिछले साल जो ब्लड कैंप लगाया गया था उसमें मात्र 35 दानदाताओं ने ब्लड डोनेट किया था और इस वर्ष 57। आपको ब्लड डोनेशन के बारे में नियमित रूप से 2 दिन से आंकड़े बताए जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि प्रत्येक 3 सेकंड में भारत में 1 व्यक्ति को ब्लड की आवश्यकता होती है और ब्लड डोनेट करने से शरीर में किसी प्रकार की कोई कमजोरी नहीं आती है। नियमित रूप से ब्लड डोनेट करने से शरीर में आयरन की मात्रा कंट्रोल रहती है। आयरन की मात्रा कंट्रोल होने से कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, कैंसर और ज्यादा कितनी बीमारियों से हमें निजात मिलती है। ब्लड डोनेट जितने स्वस्थ मनुष्य हैं, उन स्वस्थ मनुष्यों में से केवल 4% व्यक्ति ही अपने जीवन में ब्लड डोनेट करते हैं। 96% व्यक्ति किसी अभ्य के कारण या धार्मिक धर्मांतरण के कारण या किसी अन्य वजह से ब्लड डोनेट नहीं करते। बच्चों, केवल ब्लड एक ऐसी चीज है जो आर्टिफिशियल डॉक्टर द्वारा नहीं बनाई जाती है। ब्लड किसी भी प्राकृतिक रूप से बनाई नहीं जाती, नेचुरल होता है। ब्लड जो ब्लड होता है वो केवल एक मनुष्य ही दूसरे मनुष्य को ट्रांसफर कर सकता है। जैसा कि जिन बच्चों ने कल ब्लड डोनेट किया था उन्होंने देखा होगा कि 3 कैरी बैग उसमें शामिल थे। एक बैग के साथ आपका ब्लड एक बैग में लिया गया और 2 बैग उसमें शामिल थे। 3 बैग में क्यों लिया गया ब्लड? डॉक्टर से बताया कि उसमें से जो हमने ब्लड डोनेट कर किया उसमें से 3 जगह से बांटा जाता है। उस ब्लड में से प्लेट निकाल दी जाती है, प्लेट अलग कर देते हैं, उसमें से प्लाज्मा अलग कर देते हैं और नॉर्मल ब्लड अलग कर देते हैं। यानी एक व्यक्ति द्वारा दिया गया खून, एक व्यक्ति द्वारा डोनेट किया गया ब्लड कई लोगों के काम आता है। जिसे प्लेट की जरूरत होती है उसे प्लेट मिल जाती है, जिसे प्लाज्मा की जरूरत होती है उसे प्लाज्मा, और जिसे खाली नॉर्मल ब्लड की जरूरत होती है उसे ब्लड दिया जाता है। आपने देखा होगा अभी पीछे डेंगू बुखार चला, डेंगू में सब आप नॉर्मल बात आपने सुनी होगी कि उस व्यक्ति की प्लेट गिर गई, 28,000 हो गई, 25,000 हो गई, आज बढ़कर 60,000 हो गई। तो प्लेट आप सब जानते हैं प्लेट के बारे में। प्लाज्मा से इंजेक्शन बनाए जाते हैं जो कि नॉर्मल मरीजों को लगते हैं। तो ये आप लोगों पे जो दानदाता उत्तर दिया है उनका मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। बच्चों का विशेष रूप से और सभी अध्यापकों का मैं विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ। निश्चित रूप से उनके परिवार में ये बात जाएगी, जो बच्चा या कोई अध्यापक या कोई अभिभावक को समाज सेवी भी आए थे, अगर वो घर जाकर अपनी चर्चा करेंगे कि आज मैंने ब्लड डोनेट किया है, निश्चित रूप से उस परिवार में एक नया संदेश जाएगा और उस परिवार में उनका जो व्यक्ति ही नहीं जुड़ा, उसका पूरा परिवार हम लोगों से जुड़ा है और वो व्यक्ति वो परिवार हमेशा निडर होकर आगे भी ब्लड डोनेट करेगा। और मैं आशा करता हूँ, ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूँ, भगवान से अल्लाह से प्रार्थना करता हूँ कि उन सभी व्यक्तियों को इतना स्वस्थ रखे कि वो अपने जीवन पर्यंत जिस प्रकार का ब्लड डोनेशन उन्होंने कल किया है, ब्लड डोनेट किया है, वो जीवन पर्यंत करते रहे और उन्हें कभी किसी को ब्लड की आवश्यकता ना हो और वो दानदाता के रूप में ही जीवित रहे। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, बहुत बहुत आभार।